राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे में चल रही खींचतान मिटाने के साथ ही कांग्रेस हाईकमान का फोकस अब कमजोर संगठन को मजबूत बनाने पर है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास फीडबैक पहुंच चुका है कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी तभी टिक सकती है जब संगठन को ग्रास रोड से लेकर प्रदेश लेवल तक सिंक्रोनाइज किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को सिंक्रोनाइज करने के लिए 4 से 6 मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाकर उन्हें संगठन के काम में लगाने का सुझाव दिया गया है। इस दायरे में 8 मंत्रियों के नाम शामिल है। कुछ मंत्रियों ने खुद आगे बढ़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। प्रदेश प्रभारी अजय माखन विधायकों व पदाधिकारियों का फीडबैक लेकर वापिस जा भी चुके हैं। कांग्रेस हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष और सोनिया गांधी के करीबी रही शैलेजा अशोक गहलोत से मिल चुकी है। राजनीतिक जानकारी के अनुसार हाईकमान के इस पर संदेश के रूप में देख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 अगस्त तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे जो फॉर्मूला होगा कामराज प्लान के साथ होगा। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में कामराज प्लान लागू करने पर विचार कर रहा है। इस आइडिया पर कई स्तर पर मंथन भी हो चुके हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माखन ने पिछले सप्ताह 2 दिन तक विधायकों के साथ 1-to-1 मंथन भी किया। उनका मकसद भी प्लान पर फीडबैक लेना ही था। इस फीडबैक में खराब काम करने वाले मंत्रियों और विधायकों की राय की जानकारी हो गई। चुनाव में उतरने से पहले भी क्या क्या चुनौतियां आएगी इस पर भी राय शुमारी हो गई है। इस फीडबैक में ये साफ हो गया कि बहुत से मंत्रियों का काम खराब है। ग्राउंड पर पार्टी वर्कर हताश है। सत्ता के आगे संगठन फिलहाल बेईमानी सा है। कांग्रेस हाईकमान स्थिति को बदलना चाहती है। बदलाव के लिए कामराज प्लान का कर रही है। आखिर क्या है कामराज प्लान? कांग्रेस के दिग्गज नेता और 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे कामराज ने 1960 के बाद कमजोर हुई कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक प्लान बनाया। उस वक्त केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे दिलवाकर उन्हें संगठन में काम करने का सुझाव दिया। इसे कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। उस वक्त खुद के कामराज ने तमिलनाडु सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उस वक्त कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। कांग्रेस संगठन मजबूत करने का कामराज प्लान की समय समय पर चर्चा साथ चलती रहती है। यूपी राज्य में भी कामराज प्लान यूपीए राज के दौरान आंशिक तौर पर कामकाज पर काम किया गया है। उस वक्त राज्य के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माखन सहित कुछ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर संगठन में काम शुरू किया था। अजय माखन दे चुके हैं संकेत, वो जनाधार वाले मंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस संगठन में भेजा जाएगा। इसी को कामराज प्लान कहते हैं। अजय माखन ने इसके संकेत भी पिछले कुछ दिनों पहले ही दिए थे। 31 जुलाई को अजय माखन ने पदाधिकारियों की बैठक के बाद कहा था कि खुद से कई मंत्री काम छोड़कर संगठन में काम करने के इच्छुक है। कांग्रेस हाईकमान को मिले फीडबैक के बाद प्रदेश के 8 मंत्रियों को कामराज प्लान के तहत लिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।